तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं अनन्या कहाँ जाने के लिए? मेला। मेला जाने के लिए। इन लोग को स्कूल में बाल मेला लगा है तो चलते हैं मेला देखने और आपको भी दिखाएंगे। गाइस हम बच्चों को स्कूल में आ गए हैं। ये गाइस बच्चों को खेलते खेलते ये देख सकते हैं ये पलट गया है। ये इस पे बच्चे काफी खेल रहे थे लेकिन पलट गया। अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं लगी, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये रही अनन्या की दोस्त। कैसा लग रहा है मेला में? अच्छा लग रहा है। और कैसा, क्या क्या आप लोग किए? डांस किए तीन गाने पे। तीन गाने पे डांस किया? अरे दो गेम्स मैंने किया। हाँ, गेम खेला। और मेला में क्या खाया? बहुत कुछ खाया। सब कुछ सब कुछ खा लिया। सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा? अरे वाह, काफी। गोलगप्पे बस। अच्छा, गोलगप्पे बस खाया। और गेम क्या खेला? गेम वो शूटिंग वाला। अच्छा, शूटिंग वाला गेम खेला। जीता? नहीं जीता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो गाइस यहाँ पे गेम खिलाए जा रहे हैं और ये गिलास को खड़े करके चार पांच और बॉल से मारनी है और इस पे 20 रुपये का गेम है और 50 रुपये मिल रहा है जो मार दे रहा है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा साइंटिफिक तरीका है कि इस बाउल में मिट्टी भर करके पेन खड़ा करके 5 रुपया इस पे रखा गया है और हाथ से मार करके सिक्के को ये मिट्टी से बाहर करना है। लेकिन पता ना कौन सा ये तरीका है, मतलब ये मिट्टी से बाहर सिक्का जल्दी जा नहीं रहा है। बहुत कम लोग जीत रहे हैं। इस पे भी है सर, इसमें क्या 20 रुपये का टिकट है और कॉइन पे मारने, कॉइन पे मारने, कॉइन पे और एक चीज है ना, वो रेड वाले से नीचे मारना। ये कैसे बच्चे मार रहे हैं, लेकिन देखिए बाहर नहीं जा रहा है। ये बाहर नहीं जा रहा है। पॉइंट बेटा कूपन लेके आओ पहले। हां, नीचे 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 नीचे। अरे पानी नहीं आ रहा इसमें। चलो नहीं है यार, हाथ लगा के देख ले। ये कोई तरीका है जो बाहर नहीं जा रहा है। और भी यहाँ पे मैडम लोग ही स्टॉल लगाई हुई हैं, पानी पूरी खिलाया जा रहा है मैडम जी लोग के द्वारा। हेलो मैडम, काफी अच्छा है ये सारा कुछ मैडम। ये आप लोग ने खुद बनाया? अच्छा, ये मैडम लोग खुद अपने ही बनाए हैं। ये चीज है कि यहाँ पे बच्चे खाएंगे तो साफ सुथरे का काफी विशेष ध्यान दिया गया रहेगा क्योंकि बाहर वाले लोग तो चाहे जैसे भी वो बना लेते हैं लेकिन यहाँ पे मैडम लोग ही ये सारा कुछ बेच रही हैं और सारा कुछ बना रही हैं हर जगह। ये स्टॉल लगा हुआ है। नमस्ते मैम, ये आप लोग ने घर पे ही लगाया है? घर पे सारा कुछ बना के कि यहाँ बना है? सब कुछ घर का है। अच्छी बात यह है कि काफी इसमें स्वच्छता का और सारी ऑर्गेनिक है, सारी मसाले वगैरह सारे ऑर्गेनिक है। हाँ, सारी जो स्वच्छता का इसमें ध्यान रखा गया होगा कि इसमें केमिकल फ्री सारे कुछ रहेंगे। अनन्या बर्गर खरीद रही हैं और ये 50 रुपये का टोकन है और इनकी मैडम अनन्या को दे रही हैं। ले लिया? चलो अंदर बैठो, खाओ। तो अनन्या जी ने बर्गर ले ली। अनन्या जी को बर्गर दिया आपने, घर पे बनाया था या रेडीमेड था? घर में बनाया था मैंने। घर पे बनाया था? हाँ। ये अनन्या जी बर्गर खाते हुए कैसा है? अच्छा है मैडम जी लोग ने घर बनाया है, काफी अच्छा प्रयास किया है। आज ये बाल मेला लगा है बाल दिवस के उपलक्ष्य में और यहाँ भी बच्चों के लिए बहुत सारे झूले, खाने की स्टॉल्स लगी हैं और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। इवन बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। इन पेरेंट्स ने भी, एंड वी आर थैंकफुल टू एवरी वन दोज हू केम हियर, और सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। दे आर एंजॉयिंग फुलनेस। थैंक यू मैडम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा, कुछ नया आज देखने को मिला और बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बच्चे खूब खुश हों, यही हम लोगों का था देख था। तो यहाँ पर सारे जो अभिभावक आ रखे हैं और बच्चे आ रखे हैं उन सबको मिलकर बहुत खुशी आ रही है, हो रही है। बच्चों के मन की जो खुशी आज दिख रही है हमें, उसको देख करके और ज़्यादा खुश हो रहा है मन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ये एक नया काम मिला है जो स्टॉल लगाई है, बिल्कुल लगा करके कैसा लग रहा है? उसको लगा करके बहुत अच्छा, एक नया अनुभव मिला हमें बच्चों से
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं ये स्टॉल लगा हुआ है, ये मैंने लिया पेस्ट्री। कैसा लग रहा है अनन्या? अच्छा है। तो ये मैडम लोग लगाई हैं स्टॉल पेस्ट्री का, काफी अच्छा है। ये मैडम रेडीमेड है या घर से बना के लाए? रेडीमेड है। ये अनन्या और उसके दोस्त कैसे इंजॉय कर रहे हैं, इसकी बैचमेट्स हैं अनन्या के। अनन्या का इतना खेलने में बिजी है कि इधर अनन्या देख भी नहीं रही है, केवल मस्ती चल रहा है। आज तो बाल मेला है तो बच्चों की मस्ती तो बनती है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चलती हूँ थोड़ा सा और आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मैडम हो रहे हैं और ये घर से बना के लाए हैं, ये चना चाट बना रही हैं और हम लोग चना चाट का एंजॉय लेंगे करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे गेम। डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों से गेम्स खेलाए जा रहे हैं और गेम्स जीतने के बाद बच्चों को कुछ प्राइज भी दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही स्कूल में होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे इन्वाइट नहीं है, सभी लोग स्कूल के ही हैं। तो गाइस देखिए कि कैसे बच्चों को खिलाया जा रहा है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कोऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे परेशान कर रहे हैं और खेलने के लिए बहुत ही सारे कुछ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, बाल मेला एक अलग ही अनुभव इससे मिल रहा है क्योंकि पब्लिक मेला में तो अच्छा। मैडम ये बताइए मेला में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेले में, मेले में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बच्चे काफ़ी डर रहे हैं, झूला झूल नहीं रहे ना? नहीं अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बाल मेला। चिल्ड्रन से बच्चों का बहुत बढ़िया है और बहुत प्यारी डेकोरेशन भी है। हाँ डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छा किया है। थैंक यू। हेलो बेटा, आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त हैं। ये बाल मेला में आके कैसा लग रहा है स्कूल में? अच्छा लग रहा है। क्या एंजॉय कर लिया आप लोग ने? अभी तो हमने बस थोड़ी बहुत गेम्स एंजॉय किया है। अच्छा गेम्स एंजॉय किया है। आप क्या करने जा रहे हो? आप सैंडविच? अच्छा सैंडविच खाना है, चलिए आप लोग को ले चलते हैं सैंडविच के बारे में। बच्चों ने सैंडविच ले लिया और खा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कैसा वो काफ़ी टेस्टी बना है इसलिए थम कर रहे हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं बाल मेला पे जो छोटे छोटे बच्चियां हैं वो कैसे डांस कर रही हैं, बहुत ही सुंदर अच्छा डांस कर रही हैं। तो ये आपको बाल मेला कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए ब्लॉग आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना प्यार बनाए रखें।